भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर रामू भैया ग्वालियर जिले के भीतरवार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने खबर मध्य प्रदेश से खास बातचीत में बताया कि इस समय विपक्ष जो राजनीति कर रही है वो गलत है। ये समय जनता के साथ व पीएम मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का है। देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर से हमारे संभागीय हेड इमरान खान ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाक जवाब दिया। आज हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जी के सुपुत्र बड़े भले रामू तोमर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज भीतरवार में एक महत्वपूर्ण जो कि आप दिनों दिन देख रहे थे कि भीतरवार में ऑक्सीजनेशन की जो समस्या आ रही थी उसको आज उससे भीतरवार को निजात मिलेगी और हमारे साथ मौजूद है रामू तोमर जी, तो हम उनसे जानेंगे। भाई सबसे पहले तो भीतरवार की जनता की ओर से और खबर मध्य प्रदेश की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भीतरवार की जनता की सुध ली। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है और काफ़ी आप पहले भी आप काफ़ी चर्चित चेहरों में रहे हो भीतरवार, जैसे कि कई भीतरवार ही नहीं पूरे समूचे मध्य प्रदेश में आप एक अलग ही चेहरों में से आते हो जो कि राजनेताओं के पुत्रों की अगर मैं बात करूं तो अगला आपका जो आज एक मैसेज जो अप्रैल में एक मैसेज वायरल हो रहा था कि आखिरकार इस संकट काल में बड़े बड़े नेताओं के पुत्र कहाँ हैं, तो आप कहीं ना कहीं मदद कर रहे थे, आप खुलकर नहीं तो अंदरूनी मदद कर रहे थे, इसको लेकर सर आप क्या विचार करें? नहीं, देखिए मुझे खुद भी कोरोना हो गया था और जब कोरोना आपको हो जाए तो आप सड़कों पर दौड़ दो ऐसा संभव है नहीं, लेकिन मैं लगातार फ़ोन के माध्यम से सभी लोगों के संपर्क में था और जब इस तरह की खबरें छपती हैं तो आप समझ सकते हैं वो खबरें सत्य नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं प्लांट खबरें होती हैं, तो मैं उनसे विचलित नहीं होता। मेरा काम है कि कैसे भी मदद करूं और मदद पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा हूं और आज भी कर रहा हूं, तो मदद में कहीं कोई कमी नहीं है। वैसे अभी जो कि कोरोना तो चूंकि अपना विराम जहाँ तक लगा चुका है, ब्लैक फंक्शन जो नई बीमारी है उसकी लेकर ग्वालियर में काफ़ी इंजेक्शनों की जो समस्या काफ़ी समस्या आ रही है, क्या उसके लिए आपने कुछ प्रयास? नहीं नहीं, पहली बात तो आप ये भूल जाइए कि कोरोना ने विराम लगा लिया, ये गलत बात है। कोरोना विराम नहीं लगाया, अभी 2 लाख से ज़्यादा मरीज पूरे देश में लगातार पाए जा रहे हैं और आपको याद हो कि पिछले समय भी जब अपन ने ये सोचा कि कोरोना चला गया है, लगभग 5,000 उस समय बॉम्बे के आसपास आया करते थे और आप देखिए 5,000 से सीधे 4 लाख 4.25 लाख केस हमारे देश में आए, तो ये कहना गलत है कि विराम लग गया है। तो मुझे लगता है कि कोरोना को कैसे हराया जाए उसके लिए लगातार हमको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो वैक्सीन लगवाने की बात हो, चाहे सैनिटाइजर से लगातार हमको हाथ धोने की बात हो, चाहे मास्क लगाने की बात हो या सोशल डिस्टेंसिंग करने की बात हो, ये सब हमको सीखना पड़ेगा और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक कोरोना जाएगा नहीं। इस बात को आप ध्यान रखिए, कोरोना फिर लौट के आएगा, इसलिए हमको ये कोशिश करनी है कि कैसे भी हम उसको दूर रखें। रही बात ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक फंगस का जो सुनने में आया वो ये है कि जो पोस्ट कोविड जो लोग रहे हैं उनमें ये बीमारी आ रही है, लगभग 12-13 हज़ार केस लगभग अभी हैं, उस पर भी सरकार पूरी तरीके से अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। मध्य प्रदेश में भी लगातार मुख्यमंत्री जी लगातार ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, जो भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले एक छोटी सी बच्ची रेणु शर्मा का एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था, आप लोगों ने भी देखा होगा और शायद आपने उसके लिए मदद के लिए आगे हाथ भी, लेकिन एक 1,000 किलोमीटर दूर बैठे एक हीरो सोनू सूद तक उनकी आवाज़ चली जाती है लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर का आखिरकार उनकी आवाज़ नहीं जाती। उसके बाद उस बच्ची की जब हकीकत जानी गई, ट्वीट के माध्यम से काफ़ी राजनीति हुई, कई लोगों ने उस पर ट्वीट किया कि हमने भी उपलब्ध करा दी, लेकिन हकीकत में मैंने खुद ने उसकी ग्राउंड रोड चेक की तो 24 घंटे में उसको केवल 5 ही इंजेक्शन उपलब्ध हो पाए। आपको शायद जानकारी नहीं है कि 24 घंटे में 5 इंजेक्शन मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ग्वालियर में 60 इंजेक्शन का कोटा है और लगभग 38 मरीज होते हैं, तो अगर एक ही व्यक्ति को सीधा हम 50 का कोटा दे देंगे तो वो संभव नहीं है। बात रेणु शर्मा की, तो रेणु शर्मा के बारे में आपको बता दूं कि जब उसने वीडियो बना के वायरल हुआ है और जो उस समय मैं वो शायद हुआ है 2 दिन बाद, मैं 2 दिन पहले मुझे किसी के माध्यम से जानकारी मिली थी तो मैंने जयरुख में भी बता दिया था, कलेक्टर महोदय को भी बता दिया था, कलेक्टर महोदय ने बात भी कर ली थी, उन्होंने व्यवस्था भी की है। अब होता क्या है कि वो जहाँ जहाँ से मदद की, अगर अपने को लगता है कि यहाँ से मदद हो सकती है तो हर व्यक्ति कोशिश करता है। अब होता क्या है कि ब्लैक फंगस के बारे में शायद आपको जानकारी है या नहीं, उसमें लगभग 50-60 इंजेक्शन लगभग एक मरीज को लगते हैं, ठीक है ना। रेमडेसिविर की अगर हम बात करें तो वो 6 इंजेक्शन का एक व्यक्ति को मैक्सिमम लगते थे। अब आप ये देखिए कि 6 इंजेक्शन एक बार मिल गए काम हो गया, लेकिन 50 इंजेक्शन का कोटा बहुत है। ग्वालियर में 60 इंजेक्शन की कोटा है जो अभी आ रहे हैं, 60-70 60-70, तो वो थोड़ा सा वेरिएशन है और उसमें मदद हो रही है। और होता क्या है कि जिसका मरीज होता है वो ज़्यादा पैनिक होता है, हम उनका भी दर्द समझते हैं और सभी लोग संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी उस समय कलेक्टर साहब को बोला, वो भी मिलकर आए,
और रात को इंजेक्शन मिल भी गया, और जिस दिन उसने वीडियो बनाया उस दिन भी रात को टैबलेट उनको जेरोक से इशू हुई है 24 तारीख की रात को, मेरे पास पूरा डिटेल है। लेकिन भाई बात इस बात की है कि वो रेणु शर्मा का जो वीडियो वायरल हुआ था, अच्छी बात है मदद उसकी हुई है, लेकिन ऐसे समय में क्या राजनीति करना उचित है? अलग अलग माध्यम से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई भी, अपने अपने ट्विटर के माध्यम से। वो एक्चुअली क्या होता है कि कई बार कार्यकर्ता रहते हैं वो अति उत्साह में कुछ भी डाल देते हैं कि हमने मदद की। मैंने अभी परसों भी दो लोगों की मदद की रात को, उसके बारे में बितरवार के हमारा अनकेत है, उसके फादर एडमिट हैं, कल उसको इंजेक्शन मिले हैं 5, परसों भी 2 मिले हैं, तो इस बारे में तो मैंने किसी को बताया नहीं, ठीक है ना। ये विदर्भ की लड़का है, वो उसके फादर एडमिट है अपोलो में, तो मदद तो चल रही है। कई बार क्या होता है इधर उधर से जानकारी लोगों को मिल जाती है, लोग पोस्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से हो जाता है मामला। बात है कि किसी का भी हम लोग ये बताने कि हमने मदद की है, इस तरीके का हमारा नेचर नहीं है। भाई साहब आप मध्य प्रदेश में एक अलग ही छवि रखते हो, इस समय की अगर मैं राजनीति की बात करूँ इस कोरोना काल से हटके, तो इस समय जो पुतला दहन पक्ष विपक्ष का जो राजनीतिक, ऐसे संकट काल में क्या ये राजनीति उचित है करना? मेरे ख्याल से अगर मेरे पास व्यवस्था है 2 रुपये की मदद करने की, तो मुझे 2 रुपये दे के मदद करना चाहिए। मेरी अगर 2 लाख रुपये की, 2 लाख रुपये की, और ये इस तरीके से करना मुझे लगता है ठीक नहीं है कि पुतला करना है। मुझे ये लगता है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे बंगाल में दीदी हो, चाहे आपका तमिलनाडु हो, सारे दलों को मिलकर मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी जो भी जहां हेड होते हैं उनसे मिलकर कहेंगे साहब हम आपके साथ हैं, आप हमें बताइए, हम इसमें राजनीति नहीं करेंगे, हम आपके साथ देने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि मोदी जी से सभी लोग जलते हैं, वो चाहते हैं कि मोदी जी को गाली देने का मौका हाथ से कैसे जाने दें, तो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जानती है मोदी जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और आपको शायद जानकारी होगी कि बीच में जब ऑक्सीजन का लगातार स्थिति गंभीर हुई, तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने सेंट्रल लेवल पर उसकी निगरानी की, आज देखिए आज ऑक्सीजन का मुद्दा 1-2 दिन प्रॉब्लम रही, उसके बाद लगातार लिफ्ट करके, चाहे वो हेलीकॉप्टर उसके हवाई जहाज के माध्यम से हो, चाहे ट्रेन के माध्यम से हो, सारे माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। मुझे लगता है अच्छा काम हो रहा है, और हम सबको धैर्य रखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार का देश हमारा है, लगभग 137 करोड़ लोगों का देश है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, हम सबको धैर्य रखना चाहिए। आपको धन्यवाद भाई। तो आपने सुना हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जो कि एक कद्दावर नेताओं में जाने जाते हैं, उनके सपुत्र बड़े वाले रामू तोमर हमारे साथ थे, और आपने उनको सुना कि उन्होंने इस बार जो राजनीति चल रही है उसको बिल्कुल गलत बताया, इस समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय जो है वो एक दूसरे की मदद करने का, इस समय चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो BSP हो कोई भी दल हो, इस समय ना तो एक दूसरे का पुतला फेंकने का टाइम है। इस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि ये समय जो है वो कोरोना काल का चल रहा है और कई बीमारी अनेक नई आ चुकी है, लेकिन इस समय हमको जनता की मदद करना चाहिए, हम जनता के साथ खड़े रहना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। कैमरामैन कमल साहू के साथ संभागीय इमरान खान, खबर मध्य प्रदेश से।